नमस्कार दोस्तों, आज 21 जुलाई और 21 जुलाई के एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज भी इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में, जिसमें रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन हुआ और मंडे को हो सकता है ये स्टॉक गैप अप ओपन हो। और सब कोई जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, थोड़ी देर में इसका नाम भी आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अभी थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको सबों को पता है जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं आउटसाइड द होम हूँ, तो थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे मैनेज कर लीजिएगा। देखेंगे आज इसके रिजल्ट के बारे में। चलिए वीडियो में ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो पे तीन चीज़ों को कवर करेंगे, पहले रिजल्ट, उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट्स को, और साथ में इसके एनपीए में क्या बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के किसी भी बैंक में अगर एनपीए घट जाता है तो बैंक के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर एनपीए बढ़ता है तो ये बैंक के लिए अच्छा नहीं है। वो क्यों अच्छा नहीं है वो मैं आगे इस वीडियो पर ही चर्चा करूँगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो वो बैंक है HDFC का। तो आपको पता ही है कि ये निफ्टी का हैवी वेटेज स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है HDFC बैंक, और इसके मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी है इस जून क्वार्टर में, जो कि 5,568 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। आप देख ही सकते हैं Q4 प्रॉफिट अप 21%, और पिछले साल की तिमाही में 4,600 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट था, वही इस बार इनके प्रॉफिट में 21% की ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है। उसके बाद प्रोविजिंग में 60% बढ़कर 2,600 करोड़ के आसपास में, और ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.4% हुआ। एनपीए के बारे में थोड़ी सी बाद में चर्चा करता हूँ। और अगर आप देख सकते हैं कि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 4,600 करोड़ के आसपास था इसी क्वार्टर के रिजल्ट में, और इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 5,500 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ, जो कि परसेंटेज पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो लगभग 22% के आसपास में इसमें बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 26 करोड़ के आसपास में थी, और नेट आय 24% बढ़ गई, क्योंकि इसमें 18,000 करोड़ के आसपास रही। और आगे अगर देखेंगे तो ब्याज में 22% बढ़ोतरी हुई है, पिछले साल में थी 10,000 और इस बार हो गई 13,000 करोड़ के आसपास में। अन्य आय जो है, जो अदर इनकम होता है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई 30% की। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हुई है। प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशन में 60% की बढ़ोतरी, ग्रॉस एनपीए में 1.4% और नेट एनपीए 0.4% बढ़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं इम्पैक्ट करेगी इसको। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले एनपीए के बारे थोड़ी सी डिटेल्स कर लेते हैं। एनपीए जो होती है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है किसी भी बैंक की, दैट मीन्स जो बैंक ने पैसा मार्केट पे दे रखा है, लोन पे हो चाहे किसी भी तरीके से हो, जिस पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस एसेट्स में से जो एसेट्स ऐसा होता है जिसमें उनको हो सकता है उन्होंने लोन तो दे दिया लेकिन उसको रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों ने देखते हैं बैंक का पैसा डुबा देता है, बैंक बहुत सारा पैसा दे के रखती है और उसके बाद उस पैसे पे उनको इंटरेस्ट नहीं आता, और साथ ही साथ उनको एसेट्स भी जो है वो भी कम हो जाता, मतलब वो दे ही नहीं पाते हैं, तो वो अलग है। और ये जो एनपीए है, ये जैसे आप और हमारे जैसे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई भी हो, बैंक से हम लोग अगर लोन लेते हैं और उस लोन की भरपाई करते हैं सही टाइम पे, सही इंटरेस्ट रेट पे, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे नहीं आती है, वो परफॉर्मिंग एसेट्स पे आती है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक की वो एसेट्स होती है जिसमें पैसा तो लग चुका है लेकिन पैसे पे जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिल रहा, वो एनपीए होता है बैंक का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस HDFC बैंक का जो एनपीए है, वो एनपीए आप अगर देख सकते हैं तो नेट एनपीए में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई है नेट एनपीए। यहाँ पे देखिए नेट एनपीए में सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई है, तो वो काफ़ी मायने नहीं रखेगा, तो HDFC में एक अच्छा रिजल्ट माना जाएगा HDFC का। लगभग प्रॉफिट में 21% का जंप हो चुका है, एनपीए भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो HDFC पे नज़र रखें, मंडे को ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और इस वीडियो में इतना ही अभी, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर डालिए। थैंक यू।